हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे रेडमी 12 फ़ोन है तो रेडमी 12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं रेडमी 12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन ही आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में डाटा वार्निंग लिमिट है, तो डाटा वार्निंग लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं, सिंपली सेट करना है आपको, सर्च करना है। तो ये आपको सर्च करना है टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन को ऑफ कैसे करेंगे। तो आपको सर्च करना है टच, टच साउंड सेटिंग्स आ जाएगी, जिसके लिए आप टच साउंड को ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। और टच साउंड आप ऑन कर देते हैं तो आपके फ़ोन की जो टच होती है उसमें साउंड वगैरह शो करेगा। जब आप यूज़ करते हैं किसी भी ऐप्स को टैप करेंगे तो उसमें साउंड शो करेगा, और साथ में जब आप उसको ऑफ कर दोगे तो जो आपका टच साउंड है आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं रेडमी 12 फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर। साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते हैं। जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग शो हो रही है तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं कि ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप एडिशनल सेटिंग पे आकर टच साउंड को इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जो भी टच साउंड है आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा। और जो वाइब्रेशन होता है टच का, तो उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, हाई स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और टच साउंड में। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन को ऑफ कर सकते हैं रेडमी 12 फ़ोन में। तो आपको वीडियो से लेते लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।